छोटे दे दिए इन्होंने, इनकी साइज बड़ी है तो ये इसके अंदर फिक्स नहीं हो रहा है, और ये अपने को ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा। पूरा डैशबोर्ड अभी खुला हुआ ही है। I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full. So, भाई finally अपन यहाँ पे जयपुर पहुँच चुके हैं। और जयपुर अपन किस लिए आए हैं? तो वो सारी चीजें आपको thumbnail और title देख के पता लग ही चुका होगा। आज अपन आए हैं इस beast के modification के लिए। तो इसमें अपन सारा सब कुछ ऐसा करवाएंगे जो हर एक व्यक्ति करवा सकता है, मतलब थार लवर तो बेसिकली ये सारे मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। इसमें एक भी मॉडिफिकेशन ऐसा नहीं है जो आपको बुरा लगेगा। तो अभी अपने को करीबन 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, और बाकी आप सभी से क्या ही छुपाना, ये है 2022 का मॉडल न्यू थार 4x4 मैनुअल। तो ये अपन ने ली थी, ये 35,000 चल चुकी थी, और बाकी अभी अपने को लिए हुए 15 दिन हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो बाकी जितना भी ये एक्स्ट्रा चली है वो सारा अपने पास ही चलिए। आज इसका मॉडिफिकेशन होने वाला है। अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं घर से बहुत लेट स्टार्ट हुआ, तो करीबन 2:15 बज चुके हैं अभी, और अपने को करीबन 6 बजे के आसपास तक मॉडिफिकेशन करवाना है। और क्या क्या मॉडिफिकेशन अपन करवाने वाले हैं वो आप सभी को वीडियो के अंदर ही पता लगेगा, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। प्राइसिंग की बात करें तो जैसे जैसे अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल होंगे वैसे वैसे मैं आप सभी को सारी प्राइस बता दूंगा। तो चलते हैं, फिलहाल काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो सीधा भजन जी की शॉप पे जाके उनसे मिलवाते हैं आप सभी को, फिर अपना जो मॉडिफिकेशन है वो स्टार्ट करते हैं। बाकी अपने मॉडिफिकेशन में अपने को लगभग 2 से 3 दिन का टाइम लगने वाला है, तो 2 से 3 दिन अपन जयपुर ही रुकने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्या होने वाला है। तो भाई ये है भजन जी की शॉप, छोटी तो नहीं काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ पर आपको सारा आइटम मिलने वाला है, यहाँ पर सीट कवर लगा रखे हैं, और सभी गाड़ियों में कर्टन है जो इससे उधर गोदाम है उसके अंदर शिफ्ट कर रखे हैं। यहाँ पे लाइटें वगैरह हैं, ओसराम वगैरह की काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियों की लाइट वगैरह हैं। ऊपर बेस ट्यूब रखे हुए हैं यहाँ पे सारा, और इधर और भी आइटम है, डीवीडी वगैरह है, शिफ्ट वगैरह में आप लगवा सकते हो, काफ़ी और भी गाड़ियाँ उनमें आप लगवा सकते हो। ऊपर भी आपको दिख रहे होंगे बेस ट्यूब वगैरह है, पायोनियर का है, सोनी का है, डेपिक का है, RR फ्यूजन का है। तो अपन ये लगवाने वाले हैं RR फ्यूजन वाला, तो ये आपको दिखाएंगे अभी इंस्टॉलेशन इसके बाद में। तो इसके अंदर देखो बेसिक से मॉडिफिकेशन हो रखे हैं पहले से, बाद में आप लोग बोलोगे कि यार ये चीज़ आपने करवाई नहीं और ये हो रखी है आपकी गाड़ी में। रिफ्लेक्टर चेंज है, और अंदर से मैं दिखाना चाहूँगा, अंदर से यहाँ पे ये सीट कवर पहले से इंस्टॉल है इसके अंदर, और ये यहाँ पे हेडरेस्ट ये लगा रखा है पहले से हाथ रखने के लिए, और बाकी अंदर जो है स्टीयरिंग का कवर लगा रखा है, और जैसा कि आपको बताया था 4x4 मैनुअल है ये। तो बाकी यहाँ पे डोर हिंजेस लगा रखे हैं ऊपर चढ़ने के लिए, ये पहले से इंस्टॉल है। कि यहाँ पे जो है यहाँ पे LED बल्ब लगा रखा है इसके अंदर, तो ये अपन पूरा सेटअप चेंज करवाएंगे। ये जो कंपनी से आता है स्टॉक है अभी, तो अपन ये भी चेंज करवाएंगे। नीचे फॉग लैंप के अंदर भी LED लगा रखी है। बाकी गाड़ी के ऊपर जो है पेंट प्रोटेक्शन यानी कि सेरेमिक कोटिंग यहाँ पर हो रखी है पहले से, तो ये अपने को ज़रूरत है नहीं अभी। बाकी ये हैं हमारे भजन जी, तो यहाँ के ओनर यही हैं, तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना। जितने भी आइटम हैं, थार हो गई, फॉर्चुनर हो गई, एंडेवर हो गई, तो उनसे रिलेटेड जो भी आइटम है वो आप इनकी व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, और प्राइसिंग वगैरह पूछ सकते हो, इनसे जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हो कि कब आपको गाड़ी यहाँ पर खड़ी करनी है। बाकी अपने को तो ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन का टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर काम स्टार्ट कर दिया है भजन जी ने हमारे, और यहाँ पर सीट खुल रही है अभी नीचे से, फिर ये जो मैट है जो कि कंपनी से मिलती है अपने को, तो ये निकलेगी। उसके बाद में यहाँ पे नीचे पूरे फ्लोर के ऊपर यहाँ पे डैम्पिंग होगी। तो भाई जिन भी लोगों को पता नहीं है कि थार के अंदर जैक कहाँ पे आता है, तो ये पहले ये खोलना पड़ता है यहाँ से, और उसके बाद में ये यहाँ पे मिलता है महिंद्रा थार के अंदर जैक, तो ये है पूरा, ये नीचे से अभी पैक है, तो इसको खोलने की कोई ज़रूरत है नहीं अभी। दिखाते हैं आपको क्या क्या खोला गया है अपनी गाड़ी से, तो ये देख लो, यहाँ से ये पूरा खोल दिया है, उधर से खोल दिया है, तो सामने दिख रहा है आपको ये सारा खोल दिया है, उधर से ये हैंड रेस्ट भी खोल दिया है, और अभी चल रही है यहाँ पे वैक्यूम, तो ये लगा रहे हैं अभी यहाँ पे पैरामेट, ये डैम्पिंग है, तो इसमें ये दे रखा है 10 सीट आती है 750 mm, तो ये ऐसे लंबी है, 500 mm ऐसे ये चौड़ी है, और 2.2 mm की इसकी मोटाई है। इस पर ये देख लो कंफर्ट, साइलेंट और मेक इन इंडिया है ये, तो ये आएगी गोल्ड वाली, तो ये अभी इसमें ये 10 सीट हैं, तो करीबन अपने जो ये डोर हैं
इनके ऊपर ऑलरेडी हो रखी है, तो अपने को डोर पे करवाने की ज़रूरत है नहीं, अपने को केवल फ्लोर पे करवानी है। तो इसमें 5 सीट के आसपास लग जाएगी ना। हाँ। चलो बाकी भजन जी लगे हुए हैं सुबह से, अभी यहाँ पे 2 घंटे इन्होंने गाड़ी खोल के हमारे को वेट करवाया, और अभी वो भैया आए हैं तो अभी उनसे लगवाते हैं ये। तो यहाँ पे ये डिग्गी के अंदर तो लगा दिया है अपन ने डैम्पिंग, और भैया ने 2 घंटे लेट करवाया अपने को। भैया नाम बता दो एक बार अपना। वसीम अकरम। तो अभी भैया लगा रहे हैं ये डैम्पिंग, और काफ़ी मजबूत है, और अगर आप भी लगवाना चाहते हो तो ये करीब 700 रुपये पर सीट के हिसाब से पड़ता है, तो आपकी मतलब थार के अंदर लगभग 5 सीट के आसपास लगेंगे, तो करीब 3,000 से 4,000 के बीच में ये काम हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो बाकी अभी एक बार इस काम को होने देते हैं, उसके बाद में एसी वेंट अपना जो सामने डैशबोर्ड है वो पूरा खोलेंगे। भैया हमने खोला नहीं क्योंकि हमारे को खोलना आता नहीं इतना। बाकी भजन जी ने ये सीट वगैरह सारी खोल दी थी। 7 बज गए हैं और बालों की हालत देख लो कैसी है, और किए और ये आज सुबह से दूसरी चाय पिलाई है अभी, और बाहर खड़े होकर बढ़िया चुस्की लेते हैं यहाँ पे। तो अभी ये अपने जो AMG स्टाइल AC वेंट्स हैं ये आ चुके हैं, तो भैया एक को फिट कर ही रहे हैं, वो देना एक बार देखो उनसे किधर है। यही लगेंगे टूट टूट के आगे, ये लगेंगे तो लोकल आगे। ये है AMG स्टाइल में ये AC वेंट, इसके पीछे से ये ब्लोअर यहाँ से बंद हो जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छे हैं, इनसे बढ़िया है, इनसे ज़्यादा हवा आएगी इनके अंदर से। और लाइटिंग का तो आपको दिखाई दूंगा मैं लगा के। तो यहाँ पे ये आ चुकी है अपनी लाइट, जो कि ये बाद में दिखाएंगे आपको, अभी नहीं दिखाएंगे। और बाकी ये पीछे जो टेल लाइट है उसका कवर आ चुका है ब्लैक वाला, तो अभी इसको फिट कर देते हैं। इसमें ये डबल टेप से चिपकता है, तो इसमें थोड़ी सी टेप और ऐड करेंगे अपने यहाँ पे। अभी ये लगा के दिखाते हैं आपको कैसा क्या दिखता है। तो भाई पीछे टेल लाइट का जो कवर लगाने के बाद में ये लुकिंग आई है यहाँ पे, ये कवर लगा है बार। बाकी कमेंट करके बता देना भाई कैसी क्या लग रही है पीछे की लाइट। ये पता नहीं कहाँ से मंगवाए हैं, तो ये छोटे दे दिए इन्होंने, इनकी साइज़ बड़ी है, तो ये इसके अंदर फिक्स नहीं हो रहा है, तो अभी 2-3 दिन ऐसे खुला ही रहेगा अपना डैशबोर्ड गाड़ी का, फिर उसके बाद में लगाएंगे। 2-3 दिन ऐसे इतनी गर्मी के अंदर अपन बिना एसी के रहेंगे अब। तो ये देख लो ये सारे पीस है ना, ये छोटी मंगवा तो कह दी अगले ने, छोटी भेज दी, तो अब क्या कर सकते हैं उसका। तो ये अब इसका निकाल के इसके ऊपर फिट कर रहे हैं, लेकिन ये इस पर आ नहीं रहा क्योंकि इसके लोक अलग हैं और इसके लोक अलग हैं। कोई नहीं, 2-3 दिन का वेट करते हैं, कल परसों के लिए बोल रहे हैं, तो परसों आएंगे। और ये अपन एक RR फ्यूजन का 2500 वोल्ट का लगा रहे हैं, 10 इंच वाला एक्टिव इनक्लोजर। ये आप देख सकते हो, ये ऑनलाइन आप इसकी प्राइस देख सकते हैं। ये यहाँ पे हमारे को पड़ रहा है 7,000 रुपये का, वो वहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा आपको, वो है 8 इंच वाला, तो वो अपन नहीं लगवा रहे, अपन ये 10 इंच वाला लगवाएंगे, क्योंकि ये पूरा प्रॉपर फिट हो जाएगा अपनी गाड़ी के अंदर। बाकी यहाँ पे ये कनेक्शन का पूरा सेटअप लगा हुआ है इसके अंदर, बाकी वायरिंग गाड़ी में अपनी हो चुकी है, वायरिंग कंप्लीट है, आगे से गाड़ी पूरी खोल रखी है यहाँ पे। और ये वायरिंग है, तो ये जो वायरिंग है ये बैटरी से आ रही है, और ये अपना जो सेटअप है ना सामने वाला मल्टीमीडिया, ये उसके अंदर सेट होगा पूरा। तो अभी कोई नहीं, 10-5 मिनट का टाइम लेते हैं, उसके बाद में ये सारा, अभी ये AC वेंट वाला तो अभी कर रहे हैं सॉर्ट आउट, अगर मिल जाते हैं तो ठीक है, आज ही लगवाएंगे, नहीं फिर तो कल या परसों में लगेंगे। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे पूरा काम हो चुका है, और सीट वगैरह भी लग चुकी है, और ये अपने को ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा, पूरा डैशबोर्ड अभी खुला हुआ ही है, तो ये सुबह वापस लेके आएंगे गाड़ी को, और कल पूरे दिन इसके अंदर आगे से जो भी लुक चेंज होगा ना उस टाइम ये सारी फिटिंग करवाएंगे अपन भैया से। ये देख लो पूरा ऐसे लेके जानी पड़ेगी आज घर पे गाड़ी। बाकी यहाँ पे टेप वगैरह लगा रहे ताकि कोई वायरिंग शॉर्ट ना हो जाए यहाँ से। बाकी ये नीचे भी ऐसे ही पड़ा है, नीचे डैम्पिंग आपको दिख रही है। बाकी ये देख लो पीछे बेस ट्यूब लगवा दिया है, हाल हो रखे हैं इसके, ये ऊपर देख लो, ये उधर देख लो, ये इधर देख लो, आगे से पूरा खाली पड़ा है। और अभी यहाँ पे जयपुर ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए हैं, अभी अपने को यहाँ से जस्ट थोड़ा सा दूर ही चलना है, ज़्यादा दूर अपना मतलब आज अपने घर नहीं चल रहे अपन। ये है ना, ये दिख रहा है ना आपको, इसने यहाँ फ्लैट ले रखा है, तो उस फ्लैट पे चलते हैं अभी। बाकी सुबह वापस आके अपन सारा काम आपको बताएंगे दोबारा, मतलब कल जो काम होने वाला है वो सारा बताएंगे आपको। आज वाले के बारे में अगर कोई भी आपको लगता है कि आपको कुछ पता नहीं चल पाया प्राइसिंग वगैरह का या किसी भी चीज़ का, तो वो आप लोग कमेंट करके बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अभी चलते हैं बस यहाँ से, बाकी मिलते हैं कल वाले वीडियो के अंदर। बाकी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, क्योंकि जस्ट पास में ही है अभी अपन, तो चलते हैं अभी।